और अभी मैं आपको बता दूं हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। वो देखो एक मंदिर बना है और मंदिर के बिल्कुल वहां से ये रोड गया हुआ है। दो पहाड़ों को काट के ये रोड बनाया गया है और नीचे जाके वो देखिए बहुत ही प्यारी जगह पे ये एरिया बसा हुआ है। वो जो दिख रहा है ना ये भी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। तो भाई आज हम दोबारा से एक और लॉन्ग ट्रिप पे निकले हैं एंड अभी जस्ट यहाँ पे पेट्रोल बना रहे थे और अभी गाड़ी का एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे बना रहे थे अभी। एंड आज की जर्नी में हमारे साथ है मिस्टर कन्नू एंड वो अपने गोपाल जी। एंड अभी देखते हैं कहाँ आगे निकलेंगे। अभी हम अभी जस्ट पेट्रोल भराया है एंड इसके बाद देखते हैं आगे। और अभी 2-4 दिन पहले हम इससे पहले जो व्लॉग्स आए थे उसमें हम इस लोकेशन पे गए थे, वो जो सामने आप देख रहे हो उस लोकेशन से हम गए थे। तो आज देखते हैं कहाँ जाते हैं, अभी डिसाइडेड नहीं है बट आगे देखते हैं। आगे चलते चलते हम पहुंच जाते हैं सुन्नी नाम की एक मार्केट में। सुन्नी मार्केट है वो गांव की एक मार्केट है एंड मेरे घर से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड आज जब हम सुन्नी मार्केट पहुंचे तो वहाँ हमने देखा कि सारी दुकानें बंद थी और गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही थी वहाँ पे। तो बाद में हमें ध्यान आया कि आज तो संडे है इसलिए सारी दुकानें बंद है एंड नहीं तो अगर और बार अगर यहाँ से हम आते हैं तो बहुत भीड़ यहाँ पे होती है। स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे भी बहुत होते हैं। तो आज छुट्टी थी जिस कारण यहाँ पे बच्चे और भीड़ बहुत कम थी। सुन्नी से 7 किलोमीटर आगे पहुँचते ही हम पहुँच जाते हैं शिमला और मंडी के बॉर्डर पर। जो ये पुल आप देख रहे हो यहाँ से उस तरफ मंडी है और इस तरफ जहाँ से हम जा रहे हैं वो है शिमला। सो नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपको बताऊंगा इस जगह के बारे में भी। तब तक चलिए आगे चलते हैं। सो भाई अभी हम यहाँ पर रुके हैं थोड़ा और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पहले, वो आप देखो। और अभी मैं आपको बता दूँ हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुके हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट का एरिया ये आता है और वो देखो वहाँ से हम आए हैं। और ये जो रोड है ये करसोग के लिए जाता है और वहाँ हमने गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी है। एंड बाकी आप देख सकते हो व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। और नीचे जो आप ये देख रहे हो ये अभी छोटा सा नाला है और आगे यहाँ जाकर सेम इस पहाड़ी के बैक साइड पे ये सतलुज रिवर में मिल जाता है, सतलुज नदी जो है यहाँ की। एंड देन वहाँ आप देखो बाहर वो देखो एक मंदिर बना है और मंदिर के बिल्कुल वहाँ से ये रोड गया हुआ है। एंड बहुत ही डेंजरस रोड है, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा भी अगर गलती हो जाए तो भाई साहब गाड़ी जो है वहाँ से सीधी नीचे नाले में गिर जाए। बाकी जो अभी टेम्परेचर है यहाँ का काफ़ी गर्म है, 32 के आसपास यहाँ का टेम्परेचर अभी जो दिखा रहा था नेट पे। एंड बाकी आप व्यू देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार व्यू है। एंड उस पहाड़ी जो टॉप पे पहाड़ी देख रहे हो उसके बैक साइड से हम अभी आए हैं एंड ये देखो आप व्यू बहुत ही ज़बरदस्त। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि व्यू आपको कैसा लग रहा है। सो अभी मैं आपको उस पहाड़ी से जो मंदिर दिखा रहा था वो है ये मंदिर। और इस मंदिर का भी एक अपना यहाँ पर महत्व है। मैक्सिमम आपको जो आप पहाड़ से आप चल रहे होंगे तो आपको मैक्सिमम सड़क के किनारे छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे बड़े एक्सीडेंट हुए होते हैं जिस कारण से यहाँ पे मंदिर बना दिए जाते हैं। एंड देख सकते हो काफ़ी डेंजरस रोड है, ऊपर बिल्कुल चट्टाने हैं, खड़ा पहाड़ है एंड कभी भी ऊपर से पत्थर भी गिर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो है जल्दी से जल्दी निकलना होता है, जितना आगे निकल पाए उतना अच्छा हमारे लिए यहाँ से रहता है। एंड रोड जो है इसमें सेफ्टी बहुत कम है, मैं रोड देख रहा था तो बहुत कम सेफ्टी है एंड नीचे की तरफ को पैराफिट भी बहुत कम लगे हुए हैं तो काफ़ी रिस्की रहता है। अगर गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा भी ध्यान आपका इधर उधर भटका तो बहुत रिस्की हो सकता है। बट जो नज़ारे हैं ना यहाँ से देखने के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। दूर पहाड़ों पर जब लोगों के घर बने हुए नज़र आते हैं ना बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। अभी हम लगभग शिमला से 50 किलोमीटर की दूरी पर तो आ गए हैं और अभी ये डिसाइड नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, कितने दूर तक हमें जाना है। अब ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हो सकता है बीच से हम आधे से भी वापस आ जाए बट अभी तो देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली सामने चलते हैं। बट सामने आप पहाड़ देखिए, यहाँ पे पूरी वैसी फीलिंग आ रही है जैसी जब आप किन्नौर की तरफ जाते हो ना, किन्नौर साइड भी सेम ऐसे ही पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। तो सेम उस तरह की फीलिंग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एंड आसपास आप व्यू देखेंगे तो बहुत ही प्यारा है। एंड वो देखो पहाड़ों के बिल्कुल फुट हिल में छोटे छोटे गांव यहाँ पर बने हुए हैं और आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो गांव है यहाँ पे 1 या 2 या 3 घर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट जो गांव की लोकेशन है ना बहुत ही प्यारी लोकेशन है। देख सकते हो कितने कलरफुल घर है और एक बिल्कुल एकांत जगह पर है। एंड वो देखिए बिल्कुल टॉप में आपको घर दिखाई दे रहा होगा ऊपर और यहाँ से तो व्यू भी बहुत गजब का दिखाई देता होगा। वादियाँ तो जबरदस्त है, ऊपर से हरियाली ना, हरियाली भी अच्छी है। बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे इस टाइम हम, और प्लेन बिल्कुल। ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी का एक पार्ट। चलते चलते अब हम एक ऐसी हाइट पर पहुंच गए हैं जहां से हमें सेब के बगीचे दिखने भी शुरू हो चुके हैं। तो सेब के बगीचे ऐसी जगह ही मैक्सिमम होते हैं जहां की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। ये गए बगशाड़ के लिए रोड, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेच है यहाँ से आगे। बगशाड़ वाला रोड रह गया बड़ा पीछे, ये था ऊपर वाला गया जो पीछे जरा जो चमोल नाला जो पड़ा था तो वो है बगशाड़ का रोड। इसमें क्यों 5 किलोमीटर बता रखा है? बगशाड़ 5 किलोमीटर क्यों बता रखा है इसमें? इसमें हाँ बगशाड़ कितने और नहीं बखरोड देखा होगा तेरे को। बगशाड़ वाला पीछे रह गया। शलानी भी इसी में जाती है ना? शलानी पीछे जाती है, उसमें आगे से भी है, आगे से नज़दीक है। सो भाई अभी हम यहाँ पर रुके हैं और देख सकते हो 2 पहाड़ों को काट के ये रोड बनाया गया है। एंड ये देखो, और अभी जिस लोकेशन पे हम पहुँचे हैं काफ़ी ठंडी लोकेशन है, काफ़ी ठंडा एरिया आ गया है ये। एंड ये आप देखो, शिमला से कितने दूर आ गए होंगे अभी हम? हाँ 150 किलोमीटर तो आगे होंगे। ओके सो शिमला से हम लगभग अभी 125-150 किलोमीटर आ चुके हैं अभी। एंड बाकी अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि आगे हमें जाना कहाँ है, क्योंकि हमने आज सोचा था कि एक पूरा राउंड सर्कल लगा के दोबारा हम शिमला पहुँचेंगे, शिमला वाया मंडी होते हुए। सो अभी देखते हैं, अभी बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ से हमें जाना है। जहाँ से हमें एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड सा रास्ता है, उस रास्ते से हम जाएंगे, फिर जाके हम वापस शिमला पहुँचेंगे। सो अभी दिन के 1:40 अभी हुआ है और शाम को हमें 5-7 बजे तक ही हम घर पहुँच पाएंगे आज वापस। चलो फिर अब यहाँ से जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो हमें जो है रास्ते में देवदार के पेड़ मिलने शुरू हो गए हैं। तो चारों तरफ देवदार के पेड़ है और देवदार के पेड़ों के जंगल के बीचों बीच ये पतली सी छोटी सी रोड जा रही है। एंड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं अभी चल रही है एंड बहुत ही प्यारा वेदर है, और साथ में जो आसपास घर बने हुए हैं वो भी बहुत सुंदर है। एंड आजकल हरियाली काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, और साथ ही साथ आजकल सेब के पौधों में जो है सेब लग चुके हैं और भी तरह तरह के जो फ्रूट्स हैं पहाड़ों में लगे हुए हैं। तो उनको देख के भी मन तो ऐसा कर रहा है ना कि एकदम से कहीं बगीचे में जाकर चोरी करके वो फ्रूट्स उठा के ले आए। जंगलों के बीच से रोड है ना, अच्छा आनंद, बहुत ज़बरदस्त। और जंगलों के बीच में लोगों के घर भी है कई जगह यहाँ पे, है ना? ऐसे ऊपर यहाँ टॉप पे भी दिख रहा था भी। मंडी से अगर शिमला आना तो ये रूट बहुत बेस्ट है ना, नज़ारे लेते हुए। एप्पल वैली है पूरी, है सेब के बगीचे बहुत है इसमें ऊपर, है ना? यहाँ तो बहुत सेब बहुत आता है यहाँ से। करसोग का सेब सबसे मशहूर है, सबसे पहले आता है ये करसोग का सेब। ये देखो आपने सारे, वो अभी सेब के बगीचे हैं वहाँ जो दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ नीचे जाके गांव है लोगों के, और यहाँ पे 2 तरह के जंगल देखने को मिलते हैं। एक तो आपका देवदार का मिलता है जिसको सेडर ट्री बोलते हैं, और दूसरा है ब्लू पाइन्स। तो ये पाइन का जंगल शुरू हो गया अभी, एंड आगे जाके दोबारा भी वही देवदार के पेड़ इसमें शुरू होंगे। बाकी आप बताओ अपना ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है आपका यहाँ पर इस रोड से? ये ना बोलो, ये जो है ना बिल्कुल सरफेली सड़कें हैं, हाँ ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड भी है रास्ता, हम अपनी स्पीड को ना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा तो बस थोड़ा सा ये इशू है, हाँ अदरवाइज तो हाँ। अगर नज़ारों की बात करें तो नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं, नज़ारे तो बहुत ज़बरदस्त हैं, वो हम देख भी रहे हैं। मेन ये है कि स्पीड का नहीं है, वो थोड़ा सा रहता है यहाँ पे। हाँ मेंटेन नहीं कर पाएंगे स्पीड ना, अंधे मोड़ है ना, एकदम से गाड़ी आ जाती है आगे से, पता नहीं चलता इसमें, बस वही दिक्कत है। वैसे पीछे हमारे पास कन्नू भी बैठा है, कन्नू भी है पीछे, कन्नू के थोड़ी सी व्यू लेते थे। हाँ आपका क्या एक्सपीरियंस है कन्नू भाई? बस सब कुछ बढ़िया है, एकदम मजा आ रहा है ट्रिप में। हाँ एंड मंडी है यहाँ से अभी 104 किलोमीटर, तो इंटीरियर एरिया है एक तरह से मंडी का, ये बिल्कुल इंटीरियर एरिया है। और इन लोगों के लिए शिमला जो है वो नज़दीक पड़ता है वैसे काफ़ी, है ना? शिमला नज़दीक है, बराबर ही है, 104 इतना शिमला, इतने हुआ शिमला। बट व्यू आप देखो बहुत ही गजब का है। एंड मौसम भी अभी थोड़ा ख़राब हो रहा है, शायद हमें आगे जाके बारिश का सामना करना पड़े। अभी हमें वहाँ पहुँचना है, वो जो सामने वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से वो रोड जाता है। बट अभी उधर पहुंचने के लिए हमें पहले वहाँ आगे जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर मुड़ के हम आएंगे, फिर वहाँ पहुंचेंगे। एंड अगर यहाँ से सामने के लिए ब्रिज होता तो 1 मिनट में हम उस पहाड़ी तक पहुँच जाते हैं। बट यहाँ ऊपर से एक रोड जाती है, वो शायद शिकारी के लिए जाती है, वो शिकारी टेम्पल के लिए जाता है, वो शंकर देहरा से ना। और मेरे को याद है शायद हम पिछली बार आए थे ऊपर से भी उसी रोड से। सो इतनी देर से हम इस रोड पे चल रहे हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी भी शिमला की तरफ आते हो, मनाली की तरफ जाते हो, तो इस रोड को आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। वो देखो वहाँ से भी हम आए और ये पूरा हमने ये एरिया क्रॉस किया, फिर जाके अब हम यहाँ पहुँचे। यहाँ के घरों का स्ट्रक्चर भी बहुत प्यारा है ना। ये देखो छतों की शेप बहुत ही प्यारी है यहाँ पे। एंड पुराने ट्रेडिशनल होम्स है यहाँ के, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के। एंड हमारे यहाँ जो शिमला के जो अपने हैं वहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट रहती है छत। ये देखो, तो ये है सुरता विलेज, ये पुराने टाइम की दुकान, पुरानी दुकान है। एंड यहाँ से और व्यू चेंज हो गया, हालांकि यहाँ से व्यू चेंज। एंड यहाँ से आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुकून देने वाला व्यू। और ये आप देख सकते हो अभी पाइन ट्रीज़ है यहाँ पे, एंड वहाँ पे जाके देवदार के पेड़ है, और नीचे जाके वो देखिए गांव वहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। सेब के बगीचे भी काफ़ी लगे हैं, और छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे, जैसे वो होते हैं ना पहाड़ों पर अलग अलग तरह के 2-2, 4-4 घर। वो देखो वहाँ पर गाँव है, फिर वहाँ पे अलग सा गांव है, फिर वहाँ जाके नीचे अलग सा गांव है। एंड बहुत ही प्यारी जगह पे ये एरिया बसा हुआ है। एक्चुअली हमारे हिमाचल में मैक्सिमम यही होता है कि बहुत ही छोटे छोटे गांव होते हैं, 2-2, 4-4 के। जैसे आपने देखा भी होगा, मेरी अगर पुरानी वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने उसमें अपना घर भी बताया, तो मेरे गाँव में भी 2 से 3 घर है। तो इसी तरह से हिमाचल के मैक्सिमम जगह पर इसी तरह के आपको घर देखने को मिलते हैं। जैसे वही देखिए आप, वो जो दिख रहा है ना, ये भी 2-3 घर है यहाँ पे, बट इस गांव का भी अलग सा ही नाम होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पहाड़ों में इसी तरह के घर आपको देखने को मिलते हैं। एंड व्यू आप देखो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। और खेत आप देख सकते हो, बिल्कुल सीढ़ीनुमा खेत जो है, सीढ़ीनुमा खेत यहाँ पे बने हुए हैं। एंड इस एरिया में ज़्यादातर धान लगता होगा, क्योंकि जिस तरह का ये एरिया है और पानी भी बहता है, वहाँ पर नदी भी है, वहाँ पर दिख रही होगी आपको पुल के पास बिल्कुल। सो धान की फसलें और सेब यहाँ पर दोनों लग जाते होंगे इजीली। एंड यहाँ पर हम अभी थोड़ी देर के लिए रुके थे, अब हम सीधे जाएंगे, और वो जो आप सामने रोड देख रहे हो उस रोड से हम सीधे आगे सुंदर नगर की तरफ निकलेंगे अभी। तो चलो चलते हैं आगे। सच बोलूँ तो बहुत ही प्यारी जगह है ये, और मेरा दिल आ गया इस जगह पे। अब मैंने एक चीज़ और डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर 2 ट्रैक बहुत फेमस है, एक शिकारी देवी ट्रैक और दूसरा कमरू नाग ट्रैक। तो वो ट्रैक मैं ज़रूर करूँगा अपनी लाइफ में एक बार पक्का। एंड लोकेशन बहुत प्यारी है। अगर कभी भी आपको लगता है कि आपको ऐसे जगह पर घूमना है जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। अभी ये ब्लॉग हमारा कंटिन्यू चलेगा, पार्ट 2 में इसमें एक और ऐसा प्लेस मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो पूरा प्लेस आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। सो ये आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी चट्टान है, और इसी चट्टान पर बजरंगबली जी की इसमें चित्रकारी की गई है। और